दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गर्भवती परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। परी लोक में शनाया नाम की एक परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शनाया परी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी कि तभी घूमते घूमते उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। शनाया परी इधर उधर देखती है लेकिन उसे पानी नजर ही नहीं आता। तभी वहाँ पर आकाश नाम का एक लड़का आता है। परी उसके पास जाती है। सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है। परी आकाश के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ पर पानी पीती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे घर पर तो कोई भी नहीं है, क्या तुम अकेले रहते हो? मेरा इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी कोई नहीं है। मैं इसी जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता हूँ और यही अपना गुजारा करता हूँ। थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है। अब परी रोज रोज आकाश से मिलने आती थी। धीरे धीरे उसे आकाश से प्यार हो जाता है। उसके बाद बहुत जल्द आकाश और शनाया परी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन शनाया परी को पता लगता है कि वो गर्भवती है। ये बात सुनकर परी और आकाश दोनों बहुत खुश थे। आकाश परी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन, शनाया, मैं बाजार जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने, तुम आराम से घर पर ही रहना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, और अगर कुछ चाहिए हो तो सीधा मुझे फोन कर देना, मैं बाजार से लेता आऊँगा। इतना कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। ओ गॉड, मेरा तो दम घुट रहा है, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर घूमने चलती हूँ। परी अकेले जंगल में घूमने के लिए चली जाती है लेकिन गलती से वो अपनी जादुई छड़ी घर पर ही भूल जाती है। तभी अचानक वहाँ बहुत तेज तूफान आ जाता है और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचाओ। तूफान परी को बहुत दूर ले जाता है। एक जगह जाकर परी गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब परी को होश आता है, मैं कहाँ हूँ, मुझे तो अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, यहाँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आगे चलकर किसी से मदद मांगती हूँ। परी लोगों के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वहाँ कुछ जंगली आदिवासी एक साथ बैठकर कच्चा मांस खा रहे थे। अरे, ये आम इंसान नहीं है, ये तो जंगली आदिवासी हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। परी वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे एक जंगली आदिवासी देख लेता है। अरे वो देखो, एक सुंदर सी लड़की भाग रही है, चलो मेरे साथ, जल्दी से पकड़ते हैं उसे। सभी आदिवासी परी का पीछा करते हैं और आखिरकार परी को पकड़ ही लेते हैं। अरे, ये तो एक सुंदर सी परी है, हमने आज तक किसी परी का शिकार नहीं किया, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम इसे अपनी रानी के सामने पेश करेंगे, रानी बहुत खुश हो जाएंगी और हमें बहुत सारी धन दौलत देंगी।
सभी आदिवासी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, इसे रानी के पास ले चलो। मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे पति परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। आपको जितनी धन दौलत चाहिए मैं दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए जरा, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करें, मुझे छोड़ दे प्लीज। अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं तो हम तुम्हें यही मार डालेंगे। सभी आदिवासी परी को उठाकर अपनी रानी आदिवासी के पास ले जाते हैं। महारानी जी, आज हम आपको ऐसा तोहफा देने वाले हैं जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगी और आपकी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। बाकी के आदिवासी परी को महल के अंदर लेकर आते हैं। परी को देखकर रानी आदिवासी बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो एक परी है, मुझे बरसों से एक परी का इंतजार था, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। इसके बदले में मैं तुम सबको मुंह मांगा इनाम दूंगी। देखो रानी आदिवासी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप जो मांगेंगी मैं वो आपको अभी के अभी दूंगी। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भूखी रह जाऊंगी। एक परी को मार कर खाना मेरा सपना था और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। परी का मांस खाने की मेरी बरसों से इच्छा थी, आज मेरी वो इच्छा पूरी होगी। देखो रानी आदिवासी, मैं गर्भवती हूँ, तुम मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी खा जाओगी। मेरी विनती स्वीकार करो और मुझे छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा रानी। सैनिकों, इसे बांध दो, हम सब थोड़ी ही देर में इसे मार कर खाएंगे। सभी सैनिक मिलकर उस परी को बांध देते हैं और उस महल से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है। अरे तुम कितनी खूबसूरत हो, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मरता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुनो बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो प्लीज बेटा। परी, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो आपके साथ साथ वो मुझे भी मार डालेंगे। बेटा, क्या तुम कहीं से फोन ला सकते हो? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। देखो बेटा, मैं गर्भवती हूँ, तुम्हारे जैसा एक नन्हा सा बच्चा मेरे साथ मारा जाएगा, क्या तुम ये चाहते हो बेटा? नहीं नहीं परी जी, मैं अभी आपके लिए फोन लेकर आता हूँ। वो बच्चा कहीं दूर से फोन लेकर आता है। परी फटाफट से अपने पति आकाश को फोन करती है और उसे सारी बात साफ साफ बताती है। आकाश जी, मेरी जादुई छड़ी घर पर ही रह गई है, मैं आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज रही हूँ, आप इस लोकेशन पर जल्दी से मेरी छड़ी लेकर आ जाइए, तब तक मैं इन लोगों को कहीं बिजी करती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे आदिवासी महल के अंदर पहुँच जाते हैं। सैनिकों, जल्दी से इस परी को काट डालो। रुकिए रानी जी, आप मुझे अभी नहीं मार सकती। रानी जी, मैंने सुना है कि आप सब बहुत अच्छा डांस करते हैं और आज तो आप लोगों के लिए जश्न का दिन है, आप लोगों की बरसों की इच्छा आज पूरी होने वाली है। रानी जी, क्या आप इस खुशी के मौके पर मुझे अपना डांस नहीं दिखाएंगी? मेरी आखिरी इच्छा स्वीकार कीजिए रानी जी। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। सैनिकों, जश्न की तैयारियां करो। खुशी में वहाँ के सभी आदिवासी नाचने लगते हैं। जिंगा लाया हूँ, हूँ, जिंगा लाया हूँ, हूँ। रुक जाओ सब, बहुत हो गया डांस,
अब इस लड़की को मार डालो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सभी आदिवासी अपने चाकू को तैयार कर लेते हैं। जैसे ही वो परी पर वार करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आकाश आ जाता है। अरे रुकिए, आप सभी लोग मेरी परी को नहीं मार सकते। इसके साथ साथ आपको मुझे भी मारना होगा। यदि मेरी पत्नी ही नहीं रही तो मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। अरे वाह, आज तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। एक के साथ एक फ्री ऑफर मिल रहा है। सैनिको, इसको भी बंदी बना लो। सभी आदिवासी आकाश को भी बंदी बना लेते हैं। रानी जी, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं मरने से पहले अपनी पत्नी से कुछ बात करना चाहता हूँ। आपसे विनती है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करें। ठीक है सैनिको, इसे परी से मिलने दिया जाए। आदिवासी आकाश को परी के पास लेकर जाते हैं। आकाश जल्दी से जादुई छड़ी परी को दे देता है। परी अपने जादू से अपने आप को आजाद कर लेती है और उन सभी आदिवासियों को बंदी बना देती है। अब बताइए रानी जी कि कौन किसकी बलि देगा। देखो परी, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी बकवास बंद कर पापी औरत, मैं कब से तेरे सामने अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। तूने मेरे मासूम बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे तेरे जैसी अत्याचारी और दुष्ट औरत को जीने का कोई हक नहीं है। परी अपनी शक्तियों से आग प्रकट करती है और वहाँ सभी को जला डालती है। सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही छोटा सा बच्चा आता है जो बहुत बुरी तरह रो रहा था। देखिए परी माँ, मुझे मत मारना, मैं जीना चाहता हूँ। परी माँ, मुझे नहीं मारो। बेटा तुम तो इतने प्यारे हो, तुम्हें कौन मारेगा बेटा। ये सब दुष्ट और अत्याचारी थे, इन्हें इनके कर्मों की सजा देना बहुत जरूरी था बेटा। परी उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। बेटा आज से तुम हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहोगे। शनाया परी की ये बात सुनकर वो छोटा सा बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों बाद परी को एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होती है। उसके पास सभी लोग मिलकर अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बहुत सारे ग्वाले एक साथ रहा करते थे। उन ग्वालों के पास बहुत सारी गाय थी। वो ग्वाले रोज सुबह अपनी गाय का दूध निकाल कर एक साथ शहर दूध बेचने जाया करते थे और शाम होने से पहले अपने गांव वापस लौट जाते थे। उसी ग्वालों के बीच एक कृष्णा नाम का व्यक्ति रहता था जिसके पास सिर्फ एक गाय थी, लेकिन वो बाकी गायों से दुगना और अच्छा दूध देती थी, जिसकी वजह से वो अपनी एक गाय का दूध बेचकर ही बाकियों से दुगना पैसा कमा लेता था और इसीलिए उसने अपनी गाय का नाम नंदनी रखा था। वो अपनी नंदनी गाय की बहुत सेवा करता था और उसे हमेशा हरी हरी घास खिलाता था। वहीं दूसरी ओर गांव के कई ग्वाले अपनी गाय को ढंग से खिलाते भी नहीं थे और अगर कम दूध देती तो उसे मारते पीटते भी थे। ऐसे ही एक दिन कृष्णा रमेश को सुबह सुबह अपनी गाय को मारते हुए देखता है, जो उसका पड़ोसी है, तो बोलता है, तुम क्यों अपनी गाय को हमेशा मारते पीटते रहते हो, बेचारी रोज दर्द से कराती रहती है, कभी उसका ध्यान रख लिया करो, इतने मासूम जीव को मारना सही नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपनी गाय को मारूं पीटूं या जो मर्जी करूं, तुम्हें उससे क्या।
तुम्हारी एक गाय तो हम सब की गायों से ज्यादा दूध देती है ना, इसलिए तुम ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। जाकर अपना काम करो। अरे भाई, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी गाय तुम लोगों की तरह ही दूध देती है, लेकिन मैं अपनी गाय को तुम लोगों की तरह मारता पीटता नहीं हूँ। उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है और हमेशा उसे हरी घास देता हूँ ताकि वो स्वस्थ रहे, और उसका पूरा ख्याल रखता हूँ, इसलिए सही से दूध देती है। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारी गाय भी तुम्हें अच्छे से दूध देगी। अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है और क्या नहीं, समझे? और यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे शहर भी जाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई, मैं तो बस इतना कह रहा था कि ऐसे मासूम जीव को मारा मत करो, वो बेचारा बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है, और रमेश के जाने के बाद कृष्णा उसकी गाय के पास जाता है और उसके घाव पर दवाई लगाते हुए बोलता है, तुम रो मत गाय माता, अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं उस निर्दयी से तुम्हें खरीद लेता। कितनी बेरहमी से मारता रहता है और ढंग से खाने को भी नहीं देता। ये लो, तुम हरी घास खाओ। और उसके सर पर सहलाकर उसे हरी घास खिलाने लगता है। उसके बाद वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी नंदनी के आगे घास डालकर उसके सर पर सहलाता है। दूध निकालकर वो भी दूध बेचने शहर चला जाता है। जिस शहर में वो दूध बेचने जाता था वहाँ के लोगों के बीच कृष्णा का दूध काफी ज्यादा मशहूर था। आ गए कृष्णा, हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। ये बाकी दूध वाले पता नहीं कैसा दूध लेकर आते हैं, जिसमें दूध कम पानी ज्यादा लगता है, लेकिन एक तुम ही हो जो बिल्कुल शुद्ध बिना मिलावट का दूध बेचते हो, इसीलिए मैं उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम दूध लेकर आओगे। शुक्रिया चाची जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे बताइए, आपको कितना दूध दूं? बेटा, आज मुझे 5 लीटर दूध दे दो। आज 5 लीटर क्यों? वो घर में थोड़े मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए चाहिए था। ठीक है, ये लीजिए। ये ले तू, आज मैं तुझे दुगना कीमत दूंगी। अरे चाची जी, क्यों? आप 5 लीटर की जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए। बेटा, ये तेरी ईमानदारी के लिए है, वरना आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन है भला। आपकी बात तो सही ही है चाची जी। शहर के सारे लोग ज्यादातर कृष्णा से ही दूध लेते थे, जिसकी वजह से कृष्णा को बहुत मुनाफा होता था और बाकी गांव वालों को उतना नहीं हो पाता था, इसीलिए गांव के अधिकतर लोग उससे बहुत जलते थे। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन कृष्णा की गाय नंदिनी बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो दूध देना बंद कर देती है। क्या हुआ नंदिनी तुम्हें? तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? चिंता मत करो, तुम जल्द ही सही हो जाओगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। कृष्णा सुनो, मौसम बदलने की वजह से तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ी है, तुम इसका फिलहाल खास ध्यान रखना, और जो दवाई लिख कर दे रहा हूँ वो सारी दवाई टाइम पर देते रहना, जल्दी ही सही हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस मेरी नंदिनी सही हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर
डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कृष्णा ने घर में जो पैसे जमा कर रखे थे वो गाय के इलाज में लगाने लगता है। कई हफ्तों तक वो कई डॉक्टर को दिखाता है और कई तरह की दवाई देता है। इसके बावजूद उसकी गाय नंदिनी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इधर उसकी गाय नंदिनी दूध भी नहीं दे रही होती। क्या हुआ नंदिनी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? लगता है किसी ने तुम्हें नजर लगा दी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और अभी तक तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तुम बस सही हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। और उसका इलाज जारी रखता है। इतना ही नहीं, जब वो गांव के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा देता है लेकिन नंदिनी की तबीयत में तब भी कोई सुधार नहीं आता, तो वो उसे शहर में अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लेकर जाता है, जिसके लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है। और वो अपना घर बार बेचकर उसे शहर इलाज के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ की दवाई से भी कृष्णा की गाय में कुछ खास सुधार नहीं आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता नंदिनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? अब तो बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी गाय को ठीक कर दो। ये कृष्णा कितना दयालु है, इसने मेरे इलाज के चलते अपना सब कुछ बेच दिया लेकिन अभी तक मुझे नहीं छोड़ा, जबकि इसके गांव वालों ने मेरी बीमारी की वजह से हमें गांव से निकाल दिया ताकि उनकी गायों को बीमारी ना हो जाए। और कृष्णा भी हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है कि वो आगे अपनी गाय का इलाज कैसे कराएगा और अब क्या होगा। उसी समय एक बहुत तेज रोशनी होती है और वो गाय देखते ही देखते सोने की जादुई गाय में बदल जाती है और उससे बोलती है, कृष्णा उदास मत हो, मेरी तरफ देखो, मैं स्वर्ग लोक की एक जादुई सोने की गाय हूँ। याद है तुम्हें मैं इसी जंगल में मिली थी और तुम्हारा सबके प्रति दयालु और अच्छे स्वभाव को देखकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने साथ रख लिया था। और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती थी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती थी जिसमें तुम सफल हो गए। तुमने मेरा अंत तक साथ ना छोड़ा और मेरी सेवा करते रहे और मेरे लिए तुमने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। तुम सच में बहुत दयावान और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर देखते ही देखते उस गाय के ऊपर सोने का आलीशान घर बन जाता है, जिसके अंदर कृष्णा की सारी सुख सुविधा की चीजें होती हैं और अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं। ये सब देखकर कृष्णा बहुत हैरान रह जाता है और उसे इन सब पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शुक्रिया गौ माता, तुमने मेरी मदद की, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुमने भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं इन सोने के सिक्कों को गांव के गरीब लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णा उस जादुई सोने के गाय घर में खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसे ही सब सही चल रहा होता है कि एक दिन उस गांव में तूफान आ जाता है जिसमें कृष्णा पहले रहा करता था और गांव के सारे लोग जंगल की ओर भागते हुए
अपना बसेरा ढूंढ रहे होते हैं कि तभी रमेश की नजर कृष्णा पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई कृष्णा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम मेरी और इन गांव वालों की मदद कर सकते हो? तुम हमें अपने घर में रहने दे सकते हो जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता? हाँ क्यों नहीं, रमेश तुम तो मेरे भाई जैसे हो और ये गांव वाले मेरा परिवार है। तुम सब इस घर में आराम से सुरक्षित रह सकते हो। ये सुनकर गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी सोने की गाय के उस जादुई घर में तब तक रहने लगते हैं जब तक कि गांव का माहौल अच्छा नहीं हो जाता। और जैसे ही तूफान शांत होता है, सभी गांव वाले उसे शुक्रिया करते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।